दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है कोहली ब्लॉग्स में। तो आज हम फिर से उपस्थित हो रखे हैं एक नई वीडियो के साथ। ये उत्तराखंड की वीडियो है दोस्तों। तो इसमें दिखाने वाले हम आपको कि उत्तराखंड का दिनचर्या कैसे होती है एक आम आदमी की। तो दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत गाय भैंसों को चारा देने के बाद होती है, और अभी हम दिन के खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दादाजी दाल को अच्छे से साफ़ कर रहे हैं। ये घर की दाल है दोस्तों, तो इसको अच्छे से साफ़ करना ही पड़ता है। इसमें पत्थर कूड़ा काफ़ी रहता है। और यहाँ पे हमने एक चूल्हे में दाल को रखा है और दूसरे चूल्हे में हमने चावल रखे हैं बनने के लिए। तो दोस्तों, अभी शाम का टाइम है और आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर लग रहा है ये आगे का पहाड़। हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं यहाँ गांव में, कहीं साइड पे मंदिर है तो वहाँ के दर्शन कराते हैं आपको। तो अभी शाम का टाइम है तो सारे लोग अभी गौशाला ही जाते हैं दूध वगैरह निकालने के लिए और गाय भैंसे को चारा पानी देने के लिए। दोस्तों, आप मेरे पीछे इस वीरान सी घर को देख सकते हैं। देखिए पलायन का कितना बड़ा दुष्परिणाम है। तो दोस्तों, इसको धारा बोलते हैं गढ़वाली लैंग्वेज में, और गांव वाले इनसे ही पानी भरते हैं अपने पीने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, और यहाँ पे आपको हर गांव में, हर गली मोहल्ले में मंदिर बने हुए मिल जाएंगे। यह हमारा माँ भगवती का मंदिर है और जिसके दर्शन के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम अभी घर पहुँच गए हैं दर्शन करके मंदिर के, और अभी आपको दिखाते हैं कि चूड़ा कैसे बनता है पहाड़ में। तो दोस्तों, चूड़ा साटी से बनता है। साटी मतलब धान से बनता है। इसको गीला करके रखते हैं और गरम करते हैं कुछ टाइम, और उसके बाद जो पत्थर के बने हुए उरख्यावा बोलते हैं इनको, ओखली टाइप की, तो इनमें कूटते हैं और इसको चीनी के साथ खाते हैं दोस्तों। हेलो गाइस, तो आज हम बकरी बनाने वाले हैं बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में। तो दोस्तों, एक गाँव की बकरी है, इसको खुद ही काटना पीटना पड़ता है और छोटे छोटे टुकड़े बनाने पड़ते हैं इसके। ये नॉर्मल वैसे नहीं मिलती कि जैसे मार्केट वगैरह से लाओ दुकान से, वैसा नहीं है इसका सीन। तो इसको मैं अच्छे से काट रहा हूँ अभी, और फिर इसके बाद इसको अच्छे से बनाएंगे अभी। तो आपने देखा हमने कैसे बकरी की पीस बनाए, और अब उनको थोड़ा रोस्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको। ये देखिए हमारी अगीठी, ये हमारी अगीठी है, ये हमारे, आप देख पा रहे होंगे ये बकरी के पीस। तो इनको रोस्ट करते हैं धीरे धीरे और आप भी मज़े लीजिए। कितने अच्छे रोस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा मटन भी बन के अच्छे से तैयार हो गया। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है।
इसको देख के तो मुंह में पानी आ रहा है अभी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।